भैया सबको मेरी नमस्ते है। देखो मैंने विवेक भैया से कह दई कि आज को वीडियो शुरू मैं करूँगा। उन्हें कह दई कि ठीक है कल ले यो। तो मैं आगो वीडियो शुरू करने। कैसे हो तुम सारे? सब ठीक ठाक है? चलो भैया ये भी बुला लूँ। अन्य कह देंगे कि तो ये वीडियो शुरू करने को कही, ये ना कही कि तू बोलते ही रही हो, तू ही बोलते रही हो। बुला लूँ। विवेक भैया नमस्ते। नमस्ते शैली भैया, नमस्ते। भैया क्या समाचार है आज को? जेवर में कछु है रो है कि ना? हो रहा है भैया, बहुत कुछ हो रहा है। मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जेवर के लिए 31 जुलाई 2021 एक बड़ा दिन साबित हुआ है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज के लिए जरूरी जमीन डेवलपर कंपनी को सौंप दी गई है। राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह काम हुआ है। इस कार्यक्रम में 1334 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट डेवलपर को सौंप दी गई है। अच्छा अच्छा। हाँ दरअसल स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए चुना गया था। इस काम के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने एक एसपीवी बनाई थी। हैं भैया ये एसपीवी का हो वह? सैली भैया एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल। जेवर एयरपोर्ट के लिए जो एसपीवी बनाई गई है उसका नाम है YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब पहले फेज के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन इसी कंपनी YIAPL को सौंप दी गई है। तो जाका मतलब जे हुआ कि अब तो झाड़ पैड़ काम शुरू होगा हवाई अड्डे को? हाँ भैया मान के चलो कि अगले महीने यानी 22 से 25 अगस्त के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका भूमि पूजन और शिलान्यास कर सकते हैं। और जब शिलान्यास हो जाए तो उसके बाद किसी भी दिन यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चालू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बात है भैया। वैसे एक बात कहूँ, जाने कब से सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट बनेगा, आखिरकार टाइम आई गो? हाँ भैया लगता तो है कि अब टाइम आ ही गया है। मैं बताऊं कि जिस प्रोग्राम में ये लैंड YIAPL को ट्रांसफर हुई है उसमें नियाल ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और YIAPL के ऑफिसर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनने से यूपी में इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। और जब लोगों को नौकरी मिलेंगी तो लोगों को यूपी से बाहर काम ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा है। उनका यह भी कहना था कि एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जेवर एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। हाँ भैया बात तो ठीक है, एयरपोर्ट से फायदा तो है। अच्छा विवेक भैया ये बताओ कि जय योगी जी के टाइम में काम कैसो चल रहा है? तुम्हें लगे कि काम ठीक है इनको? देखो सैली भैया हमारा काम ना तो किसी की तारीफ करना है और ना ही किसी की बुराई करना है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अगर यहाँ कोई अच्छा काम होता है तो हमें अच्छा लगता है, अगर कोई काम नहीं होता तो हमें दुख होता है। जो लोग राजनीति में हैं जनता उन्हें उनके काम से जज करेगी। सही कह रहे हो। जो अच्छा काम करेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसे नुकसान होगा, वो अपने आप भुगतेगा। हाँ भैया सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। चलो तो अब चलने को टाइम है रॉय। आज आपने एयरपोर्ट की अच्छी खबर दी, वाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया नमस्ते।